बटर अपना लास्ट वॉक ले रही है गंगा जी में। Day 84 और आज वो दिन है जब मैं और बटर यहाँ पे निकल रहे हैं बनारस से। करीब करीब 22-23 दिन रुकने के बाद आज हम लोग निकल रहे हैं बोधगया की तरफ। देखते हैं कहाँ तक पहुँच सकते हैं। फिलहाल जो है घाट टू घाट जा रहे हैं और आगे ब्रिज है, दिख रहा है आपको सामने मालवीय ब्रिज, वहाँ से क्रॉस करनी है गंगा जी और उस साइड जाना है, तो चलते हैं। फाइनली चलते चलते ब्रिज आ गया और ट्रेन और ट्रैफिक दोनों है वो क्रॉस करके उस पार जाना है पीछे, ये ब्रिज क्रॉस करके पीछे जाना है। रोड बाय रोड आने से अच्छा था कि घाट से आ जाऊँ मैं, तो इसलिए घाट से आ गए और क्या है। फिलहाल जो है ये ब्रिज क्रॉस करते हैं फिर देखते हैं आगे कहाँ तक जाया जा सकता है। और ये रहा वो ब्रिज, नीचे ट्रेन और ऊपर ट्रैफिक है, ये क्रॉस करके जाना उस पार। ये है पीछे बनारस ट्रांसपोर्ट के आया हूँ घाट बाय घाट और यहाँ जाना है। बटर आराम से बैठी हुई है अपना। लोग मालवीय ब्रिज पे आ चुके हैं क्रॉस करने के लिए, पर मुझे घाट की साइड कुछ दिखाया था। एक साइड बढ़िया ब्रिज के गंगा जी बैठे और बाकी ये ब्रिज है मालवीय ब्रिज जो बोधगया की तरफ ले जाएगा। आज पता नहीं है कहाँ तक जाएंगे पर देख सकते हैं, बट लेट्स सी क्या होता है। और इस साइड जो है काफ़ी चौड़ी हो गई है गंगा जी, मतलब उधर से एटलीस्ट मेरे को दिखाई दे रही है, इधर काफ़ी चौड़ी है राधा दिन दशमेध घाट और उससे अगर आप पीछे देख सकते हो सही। बाकी बटर चल रही है आराम से पीछे, ब्रिज क्रॉस करते हैं फिर ब्रेक लेते हैं चाहेगा। ब्रिज तो पार हो गया है पर ट्रैफिक जो है बहुत ज़्यादा है, मतलब चलने में भी डिस्टर्बेंस हो ही रही है। ये लो हॉर्न तो आप सुन ही सकते हो बढ़िया एकदम, मतलब जितना देखोगे उतना ट्रैफिक ही ट्रैफिक है पीछे। बनारस से थोड़ा बाहर आ चुके हैं, यहाँ से अब जो है हाईवे पड़ेगा जो बिहार के लिए कनेक्ट करेगा और वो हाईवे करीब 6-7 किलोमीटर है और 6-7 किलोमीटर के बाद जो है जो भी ढाबा पड़ेगा हाईवे कनेक्ट होते ही वहाँ पे आज जो है नरबटर रुक जाएंगे, बिकॉज़ काफ़ी टाइम बाद चल रहे हैं तो अच्छा नहीं है बॉडी पे स्ट्रेस डालना, सोचा है कि थोड़ा कम चले तो इसलिए 10-15 किलोमीटर 16 किलोमीटर करके हाईवे पहुँच के रुक जाएंगे। बाकी बटर को जो है अभी लीज में बांधा हुआ है क्योंकि चलने का मूड नहीं है, इतने दिन एक ऐसे रेस्ट मोड पे थे लगातार नहीं चल रहे थे, तो मैंने सोचा कि बटर को थोड़ा टाइम लीज पे चलाते हैं ताकि ड्रामे ना। बटर अपने गियर्स पहन के मस्त शूज एकदम गया जो है 240 किलोमीटर है राजगीर 350 कोलकाता, पता नहीं टेप क्यों लगी हुई है, और चंदौली। बटर वापस ऑन द रोड आके खुश है, इधर उधर खेल रहे हैं भाग रहे हैं खेल रहे, ज़्यादा ही खुश है बटर, मतलब रोड पे निकल के और लीज से बाहर निकल के तो मैं पूछो मत, तो देखो कहाँ मस्ती कर रही है। बटर को चलने में ज़्यादा मज़ा आता है जर्नी में रादर देन हम लोग रुके हों एक जगह ठहरे हों इधर उधर घूम रहे हों, उसको ज़्यादा मज़ा आता है। ये देखो इधर उधर भाग रही है फ्रीली, अब वहाँ भाग रही है मैडम, पता चल गया है उन्हें कि जर्नी दोबारा चालू हो गई, सही है भागने देते हैं क्या है। ये जो आप हवा में देख रहे हो ये धूल है इस मिट्टी की, बहुत ही ज़्यादा। एक ये ढाबा पड़ा है यहाँ, ब्रेक लेते हैं थोड़ा देर
मतलब बटर के मित्र आ गए। ये देखो वो लूडो ढाबा पे है और टाइम हो गया लंच का, तो मैं खा रहा हूँ दाल चावल और बटर पीछे बैठी हुई है यहाँ पे आराम से। पहले खाते हैं फिर बटर को भी खिलाते हैं फिर चलेंगे आगे। यहाँ से हाईवे ज़्यादा नहीं, 4-5 किलोमीटर रह गया भैया बता रहे हैं, और हाईवे पर जाते ही कहीं कैंप करना है, ज़्यादा चलना नहीं है आज। मैंने खा लिया बटर की बारी है। ब्रेक लेने के बाद निकल गए हैं मैं बटर। काफ़ी ट्रैफिक था सिटी में और अभी भी है, पर फिलहाल जो एक ब्रिज क्रॉस करना है और उसके बाद हाईवे की तरफ जाना है। हाईवे अभी भी यहाँ से करीब 4 किलोमीटर, 3.5-4 किलोमीटर बढ़ा चाहिए। बटर अब तक चल रही है बराबर आराम से और ट्रैफिक भी ट्रैफिक। ब्रिज बेसिकली नीचे की ट्रेन की पटरियों को अवॉइड करने के लिए है और इससे ही है, मतलब ट्रैफिक उस साइड चल रहा है। ये लेन शायद चलने के लिए और टू व्हीलर्स के लिए बनाई है, सही है। बटर जो है आराम से चल पा रही है, बढ़िया एकदम, ज़्यादा दूर नहीं है हाईवे जो है, पर देखते हैं कहाँ रुका जा सकता है और क्या। बढ़िया तालाब पड़ा है बीच में, सही घाट सा है नहाने के लिए, यहाँ पे नहा सकते हैं पीने लायक। चलते 3 बज चुके हैं चलते चलते, मौसम काफ़ी सही है। सुबह से लग रहा है कि बारिश होगी पर हुई नहीं है थैंकफुली, और ठीक है, ज़्यादा गर्मी नहीं है ज़्यादा ठंड नहीं है। एक बस ये हाइकिंग शर्ट में चल पा रहा हूँ मैं, टी शर्ट में, तो सही है। बाकी अब यहाँ से हाईवे रह गया 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर, बटर तब तक अपना पीछे पीछे कहाँ गई। ओह यहाँ पर है वो, चल रही है मैडम बढ़िया एकदम। ये रोड है और वहाँ वो हाईवे है, तो ये रोड हाईवे में आगे जाके जुड़ेगी। यहाँ यहाँ से आगे राइट लेके लेफ्ट जाना है, वही रोड चलते हुए एकदम बढ़िया अपने गियर शो ऑफ करते हुए। तो भाई हाईवे तो आ गया, दिखने लग गया और व्यू एकदम से चेंज हो गया है, ये देखो फील आ गया दोबारा। तो मैं और बटर करीब 19 किलोमीटर चल चुके हैं सुबह से, और अब हाईवे पे देखते हैं कितनी देर बाद जो है जगह मिलती है, ढाबा मिलता है कैंप लगाने के लिए। बटर आलसी हो गई है, 20-21 दिन रेस्ट लेके। बटर चलो, वो आलसी चलो चलो। मुझे लग रहा था मुझे ज़्यादा दिक्कत होगी, पर यहाँ तो बटर रेस्ट लेके आलसी हो गई है। बनारस में सिर्फ खाया है, थोड़ा बहुत घूमा है, बनारस में इतना रेस्ट कर लिया बटर ने कि आलसी हो गई है। कोई नहीं, मज़ा जो है चलने में ही आता है बटर को, ये तो मतलब सुबह मॉर्निंग में वॉक करते ही पता चल गया था, और थोड़ी देर के लिए बैठती है फिर चलने लग जाती है, देखो दोबारा मस्त मज़े से अपना चल रही है। ये हाईवे में जुड़ गई है रोड ऑलमोस्ट, ये हाईवे अंधेरी वो रोड, बस आज इतना ही चलना है ज़्यादा नहीं, तो जो भी ढाबा आएगा वहाँ पे कैंप करते हैं। अब देखते हैं कितनी दूर बाद ढाबा पड़ता है। मुझे किसी ने बताया कि आगे 100-150 मीटर में ढाबा है राइट हैंड साइड पे, तो देखते हैं वहाँ जाके पूछते हैं कि रुक सकते हैं या आगे जाना पड़ेगा। तो मैं आ गया हूँ रेवसा गांव में, और करीब 21 किलोमीटर दूर हूँ वाराणसी से, ज़्यादा नहीं चले, और अन्नपूर्णा भोजनालय है, और भैया से मैंने पूछा तो उन्होंने बोला लगा सकते हैं, पीछे अंदर ढाबा है वह, और बैक साइड पे नहर के साथ तंबू लगाएंगे आज। बटर तब तक सो रही है, रेस्ट कर रही है, भैया खड़े हैं देखो क्या हो रहा है तो बढ़िया एकदम नहर के साथ साथ तंबू लगाते हैं, फिर कुछ खाना वाना खाते हैं और क्या, रेस्ट करते। तो तंबू लग चुका है और मुंह हाथ धो लिए,
बटर बाहर है, वेट कर रही है कुछ खाने के लिए, और तब तक सब सेट हो गया, अब बस खाना खाना है और सो जाना है आराम से। और क्या है, अब जो जर्नी है दोबारा वैसे ही चालू हो गई है जैसे पहले थी, लगातार चलना है। बहुत प्यारा सनसेट हो रहा है, पीछे नहर बह रही है, सही जगह कैंपिंग करने का मौका मिल गया, एकदम बढ़िया। तो फिलहाल जो है चाय वाय पीते हैं। तो बटर ने खाना वाना खा लिया है और मैं पी रहा हूँ चाय। सोचा आज वॉक जल्दी ख़त्म हो गई और नहर किनारे एकदम बैठे हैं, थोड़ा चाय पीते पीते जो है व्यू का मज़ा ले लिया जाए। और अब बटर जो है कैंप के पास वहाँ जाए घुसने की कोशिश कर रही है, कैंप में जा रही है। तब तक मैं चाय पीता हूँ, अंधेरा होने के बाद खाना खाएंगे, आराम से डिनर करेंगे, फिर सो जाएंगे, और क्या है। हाँ, आज थोड़ा जो है डिफ़िकल्ट रहा चलने में, क्योंकि 24 दिन बाद मैं और बटर जो है बनारस से निकले, और एक हफ्ता प्लान किया था, पर होते 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 एक महीना ऑलमोस्ट हो गया 24 दिन। और बहुत ही अच्छी जगह जाने का मन नहीं कर रहा था, पर यह है कि निकलना पड़ा क्योंकि जर्नी थोड़ी लंबी है, क्या कर सकते हैं। और बटर का भी जाने का मन नहीं था, दिख रहा था आज भी चलने पे, पता चल रहा था कि उसका मन नहीं है चलने का, पर धीरे 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 आदत आ जाएगी। और 21 किलोमीटर चले हैं बटर और मैं आज, और काफ़ी डिफरेंस आ गया है। मतलब ये नहर तो है, पर आप देख सकते हो फील्ड जो है दोबारा वापस आ चुके हैं, लंबे लंबे फील्ड। अब पीछे मेरे हाईवे है उस साइड वहाँ पे, और हाईवे पे ही जाना है। बोधगया जो है 230 किलोमीटर है, तो करीब 10 से 12 दिन लगेंगे पहुँचने में। और ऐसा ही व्यू मिलता है सब कुछ, तो बढ़िया है। तब तक के लिए बढ़िया चाय, कैंप बुरा, एकदम बढ़िया जगह मिल गई आज कैंपिंग की, मतलब और बिल्कुल एकदम नहर के किनारे हैं, और खाना भी बहुत बढ़िया पीछे है। तो बढ़िया चाय पीते हैं, रिलैक्स करते हैं, और सनसेट हो जाने का वेट करते हैं, नहर का जो है मज़ा लेते हैं, थोड़ा व्यू लेते हैं, उसके बाद खाना खाएंगे। और क्या, समय हो चुका है डिनर का और रात हो गई है, खाना बना रहे हैं भैया पीछे वहाँ पे। मैं खाऊंगा थाली बटर के लिए, चावल और बटर भी वहाँ वेट कर रही है, कब खाना मिलेगा। बटर का तो आ चुका है डिनर, एकदम बढ़िया, मेरा नहीं गया। बटर वहाँ पे खा रही है पीछे, मेरा खाना भी आ चुका है एकदम बढ़िया, थाली आ गई है। और अब थोड़ा थोड़ा जो है रात तक आता है तो नॉस्टैल्जिया हो रहा है, जैसे मैं पहले चल रहा था वाराणसी से रुकने से पहले, कि रात में रुकूंगा, थाली खाऊंगा ढाबे पे, बटर साथ में खा रही है, तो सही है बढ़िया। जिन्होंने खाना बनाया है एकदम बढ़िया, मैं लोगों को बता रहा हूँ आपने खाना बनाया है। और ये है थाली, मटर पनीर दाल आलू गोभी प्याज खूब सारा रोटी और चावल। डिनर हो गया, बटर ऑलरेडी कैंप में जाके घुस चुकी है। कहाँ पर हो ये देखो, यही सो रही है, सोने लग गए क्या, उधर हो जाओ भाई, शिफ्ट हो जाओ, मुझे भी सोना है। तो इसी के साथ डे 84 हो रहा है ख़त्म, और बटर वहाँ पे खुजाते हुए सो रही हैं आराम से। तो जाने से पहले सब्सक्राइब बटन दबा लेना, कल मिलते हैं एक नए जर्नी, एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए गुड नाइट।